हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय फोर्थ लेक्चर वीडियो ऑफ हिस्ट्री पेपर वन यूनिट फर्स्ट फॉर बीए फोर्थ सेमेस्टर एंड टुडेज टॉपिक इज़ फॉरेन पॉलिसी केनिंग टू नॉर्थब्रुक। इन प्रीवियस लेक्चर वीडियो यू हैव स्टडीड अबाउट पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम कंपनी टू क्राउन एंड सेकेंड वन वॉज केनिंग एज अ वायसराय। द थर्ड लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन लॉर्ड लॉरेंस and in this topic we will study about foreign policy Canning to Northbrook। so इसके पहले के जो लेक्चर वीडियोस थे उसमें अब तक आपने क्या स्टडी किया? आपने स्टडी किया कि 1857 के बाद किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का जो रूल था वो सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी से हटाकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटा कर के अपने हाथों में ले लिया। एंड अब यहाँ पे गवर्नर जनरल इंडिया का वाइसराय बनकर प्रतिनिधित्व करेगा किसका? भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व। और ये वाइसराय समय समय पर जब अपने टाइम पीरियड में इंडिया में आते थे तो वो चेंजेस करते थे पॉलिसीज़ टुवर्ड्स इंडिया। साथ ही भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म थी उसने एक्सपेंड किया था कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। एंड जो इसके सीमा प्रांत थे यहाँ से, यहाँ की जो स्थितियाँ थी, यहाँ की जो रणनीतियाँ थी उनसे भी जो ब्रिटिश नीति थी वो प्रभावित होती थी और ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसीज़ को उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता था। भारत में एक पड़ोसी जो सीमा राज्य था अफ़गानिस्तान, वहाँ की पॉलिसीज़ जो वहाँ की स्थिति जो चेंज होती थी, तो अफ़गान के लिए भारत में अलग अलग वाइसराय ने अलग अलग समय पर अपनी पॉलिसीज बनाई। ब्रिटेन जो कि विश्व पटल पर अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित रखना चाहता था बल्कि उस समय जो स्थिति थी विश्व पे में रसिया अपने आप को एक्सटेंड करना चाह रहा था, उसकी साम्राज्यवादी नीति जो थी उसकी वजह से ब्रिटेन को अपनी नीतियाँ चेंज करनी पड़ रही थी। कभी उसको एक इनएक्टिविटी, जो मास्टरली इनएक्टिविटी उसने पॉलिसी अपनाई थी अफ़गान के लिए, दूसरी तरफ इसी ब्रिटिश पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी भी अपनानी पड़ी थी। तो ये जो भी कुछ आसपास की गतिविधियाँ हो रही थी आसपास के राज्यों में, इसके अकॉर्डिंग भारत में जो पॉलिसी चेंज हुई उसी को हम पढ़ेंगे। So let me start our topic. After the first Afghan war, an agreement was reached in England and Russia in 1844. According to this agreement, the neutrality of the state of Bukhara, Khiva and Samarkand was established. तो रशिया जो कि अफगानिस्तान की तरफ अपना प्रसार कर रहा था और इस जो फर्स्ट अफगान वार हुआ था उसके बाद 1844 में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें यही माना गया कि अब यहाँ पर एक तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी। ये समझौता हुआ था इंग्लैंड और रसिया के बाद, रसिया के बीच में कुछ तनाव इससे कम हुआ था लेकिन ये समझौता जो है वो काफ़ी दिनों तक नहीं रह सका। और फिर क्या होता है कि In 1853 the Crimean War broke out in Europe, और 1853 में यूरोप में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया जिसमें कि इंग्लैंड और रसिया ये एक दूसरे के क्या थे? वर अपोज टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। ओके, एंड 1844 का जो समझौता था उसका अंत हो गया, वो ख़त्म होता है। एंड रसिया वॉज डिफीटेड इन द क्रीमिया वार। इधर क्या था कि यूरोप में जब क्रीमिया वार होता है जिसमें कि फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की सभी सम्मिलित थे, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं इस स्टडी में ये भी बता दूँ कि अभी जबकि आप फर्स्ट पेपर में फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं अफगान के प्रति, उसी समय आपके सेकेंड पेपर में आपने क्रीमिया वार जो आप देखेंगे उसमें इसी समय की स्थिति है कि जब रसिया टर्की को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है एंड इंग्लैंड ये नहीं चाहता है कि रसिया का इतना ज़्यादा शक्ति का प्रसार हो कि वो
जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए खतरा बनने लगे। इसीलिए और इधर क्या था कि नेपोलियन थर्ड भी नहीं चाहता था कि रसिया का जो पावर है वो इतना ज़्यादा बढ़े, तो इंग्लैंड एंड रसिया फ्रांस दोनों टर्की की तरफ से साथ देते हैं। एंड जो वॉर की कंडीशन होती है उसमें क्रीमिया के वॉर में रसिया की हार हो जाती है एंड रसिया जो है वो दबाव में आकर के दूसरी तरफ अपना प्रसार शुरू कर देता है। एंड अब क्या है कि रसिया क्रीमिया के वॉर के बाद टर्की से हट करके धीरे धीरे अपना जो पावर है वो किधर इंक्रीज़ कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, अब क्या कर रहा है, अदर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। एंड रशिया ग्रेजुअली बिगेन टू स्प्रेड इट इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, अब वो मध्य एशिया की तरफ जाने लगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एंड देयर थ्रेटन द बॉर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान, अब क्या है कि वहाँ पे अब अफ़गानिस्तान की तरफ उसका उसकी सीमा तक आ धमका था। कंपनी सरकार ने जब रूस के जो प्रभाव को देखा तो उसको रोकने के लिए उसको रोकना था, लेकिन दोस्त मोहम्मद जो कि अफ़गानिस्तान का नेता था वो जीवित था और अभी जो अंग्रेज़ थे उनको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, जो जबकि अफ़गानिस्तान में उनका नेता अभी जीवित है। ओके, सो अब देखते हैं कि दोस्त मोहम्मद आई हैड 16 सन, अब दोस्त मोहम्मद के कितने बच्चे हैं, उसके 16 बेटे थे। एंड जब उसकी डेथ होती है तो इन 1863 उसके बच्चों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और इस समय सर जॉन लॉरेंस जो था वो भारत में वॉइसराय बना हुआ था। और हमने जब लॉरेंस का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से लॉर्ड लॉरेंस ने मास्टरली इनएक्टिविटी का जो टैक्टिस अपनाया, जो पॉलिसी अपनाई थी, वो सिर्फ इसीलिए थी कि उनको उनके झगड़े पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस समय लॉर्ड लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल थे और दोस्त मोहम्मद ने शेर अली को अपना सक्सेसर माना था, उसको घोषित कर दिया था और जो उनकी होम जो सिविल वॉर छिड़ा था उनके उस सिविल वॉर में शेर अली ने इंडिया गवर्नमेंट से अपनी हेल्प मांगी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड लॉरेंस के थ्रू इस समय ए मास्टरली इनएक्टिविटी जो पॉलिसी अपनाई थी, जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी, जिसे कहते हैं कि अकर्मण्यता की नीति या कुशल अकर्मण्यता या इनएक्टिविटी की नीति, ये अपनाया हुआ था। ये तथस्थता की दूसरी नीति का नाम था, जैसे आप पढ़ेंगे तो कई नाम आते हैं, तथस्थता की नीति, अकर्मण्यता की नीति, कुशल अकर्मण्यता की नीति, तो ये यही पॉलिसी थी कि जब भारत की तरफ से अफ़गानिस्तानी मैटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, एंड लॉरेंस का ये कहना था, देखिए यहाँ पे लॉरेंस सेड दैट वी वुड एक्सेप्ट द सेम पर्सन रिच इन काबुल हु हैज़ रियल पावर इन हिज हैंड, और लॉरेंस का क्या कहना था कि हम उसी व्यक्ति को काबुल का अमीर स्वीकार करेंगे। यहाँ पे रिच जो पर्सन है ये अमीर एक्चुअली वो पोस्ट था, तो क्या हमें अमीर स्वीकार करना है, जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता हो। देखो ये जो आता है वास्तविक सत्ता, यही है डिफैक्टो। डिफैक्टो के अंदर में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नेता नहीं है लेकिन फिर भी उसके हाथ में वास्तविक सत्ता है, ठीक है, तो वो उसी को अपने तरफ से अमीर मानेंगे। ओके, ये अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामले में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप न करने की नीति थी जो लॉरेंस ने अपनाई हुई थी। ओके, तो इस तरह से क्या था कि जो भी अमीर सत्ता का पर अपना हक जमा लेता, जो भी अमीर सक्सेसफुल हो जाता, लॉरेंस उसी को अपना हेल्प प्रोवाइड करता। ओके, सो 1868 में क्या होता है कि 1868 में जब शेर अली सारे अफ़गानिस्तान पे अपना पावर स्थापित कर लेता है तो लॉरेंस ने उसको अमीर एक्सेप्ट कर लिया एंड उसको फाइनेंशियल मदद भी देनी शुरू कर दी। ओके, एंड लॉरेंस ने इस इनएक्टिविटी की पॉलिसी को अपनाया तो ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में उसके इंटरफेरेंस इस समय ज़्यादा रहते तो ये समस्या और भी जटिल हो जाती। ठीक है, अब देखते हैं कि इन 1861
अरे 68, जैसे देखिए यहाँ पे अभी मैं जो ऊपर आपको पॉइंट पढ़ा रही थी कि जो लॉरेंस ने पॉलिसी अपनाई वो अच्छी ही थी उसके लिए, क्योंकि अगर इतनी ये पॉलिसी नहीं रहती तो फिर ये संघर्ष जो था ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बनता और मामला और भी उलझ सकता था। 1868 में जब लॉर्ड लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो आता है, गवर्नर जनरल या जो वायसराय ऑफ इंडिया बनकर आता है, तो ही वॉज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ लॉरेंस पॉलिसी। वो भी लॉर्ड मेयो की तरह से ही लॉर्ड लॉरेंस के ही तरह से इनएक्टिविटी का सपोर्टर था। जो मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी उसी का सपोर्टर था। उसने शेर अली की हेल्प करके रूस के जो इन्फ्लुएंस था, रूस की जो पावर था, उसको थोड़ा रोकने की उसने कोशिश की थी। 1569 में उसने शेर अली को इनवाइट किया था, ओके। एंड अंबाला में दोनों की मुलाकात होती है। शेर अली भारत जो गवर्नमेंट है उनसे ये क्लियर कर लेना चाहता था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत सरकार शेर अली की मदद करेगी, लेकिन लॉरेंस की तरफ से कोई निश्चित आश्वासन नहीं था। एंड रसिया की जो ताकत थी उसको देख करके शेर अली ये चाहता था कि भारत को गवर्नमेंट जो है वो साफ साफ शब्दों में अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको क्लियर कर दे, उसको रिवील कर दे। लेकिन जो वायसराय थे, चाहे लॉरेंस के साथ भी यही था एंड जो वायसराय लॉर्ड मेयो था उसके साथ भी यही था कि वो लोग अपने जो नीति थी उससे हटना नहीं चाहते थे। और यही वजह थी कि जो शेर अली था वो अंग्रेज़ों से काफ़ी नाराज़ हो जाता है। लॉर्ड मेयो के बाद 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक इंडिया में गवर्नर जनरल होता है, वहाँ वायसराय बनकर के यहाँ आता है। एंड कब आता है? 1872 में। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी छोटे छोटे आप लोग याद रखते रहिएगा। उसने भी लॉर्ड लॉरेंस की ही पॉलिसी को अपनाई थी, ओके। एंड इसी बीच क्या होता है कि रसिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड ही टू अडॉप्ट मीनवाइल द इन्फ्लुएंस ऑफ रसिया बिगिन टू इंक्रीज फर्दर। और इसी बीच क्या है, रसिया जो है मध्य एशिया में रसिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उसने क्या किया कि मिडिल ईस्ट में ही द स्मॉल कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशियाज वर गोइंग टू ऑक्यूपाइड रसिया वन बाय वन। रसिया क्या कर रहा था, छोटे छोटे देश को एक एक करके अपने कब्जे में लेता जा रहा था। और इधर क्या था कि शेर अली बहुत डरा हुआ था, उसने वायसराय के पास एक एजेंट भेजा और रूसी जो अटैक था उसके खिलाफ एक गारंटी मांगी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे कंडीशन में शेर अली क्या करता है कि वो रसिया की तरफ मूव करता है। अब नॉर्थब्रुक पर अफगानिस्तान के मैटर में जो इंटरफेरेंस की नीति थी उसमें उसमें बदलाव ला करके क्या करना पड़ा। अब पहले क्या था, इनएक्टिविटी की नीति थी, मतलब पहले क्या था, हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन अब पॉलिसीज़ को चेंज करने की दबाव पड़ने लगे। नॉर्थब्रुक जो जब यहाँ पे अपना काम कर रहा था, जब उसका यहाँ पे समय काल था, तो वो हस्तक्षेप करने की नीति का विरोध करता था। उसे नहीं पसंद था कि रसिया और अफगानिस्तान के मैटर में यहाँ हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का दबाव पड़ने लगा। और इस तरह से उसने बेहतर समझा कि मैं इस नीति का पालन करने से बेहतर है कि मैं त्यागपत्र दे दूँ। तो उसने रिज़ाइन कर दिया, ऐसी स्थिति में उसने इस्तीफा दे दिया। और फिर उसके बाद 1876 में लॉर्ड लिटन एज अ वायसराय इंडिया में आता है। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड था वो डिज़राइली, जो कि उसका जो उसकी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपने आप अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाना चाहता था और उसे नहीं पसंद था कि रसिया का जो प्रसार है वो इस तरह से हो जो कि यूरोप में उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तो वो एशिया में रसिया के प्रसार को समेटने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। लिटन के ऊपर उसने ये काम सौंपा था, क्योंकि लिटन उसका खुद मतलब उसका उसके ग्रुप का था। एंड जो
डिजराइली था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था, वॉज टू इम्प्लीमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ जो सॉरी लिटन की जो पॉलिसी थी, लिटन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था वॉज द इम्प्लीमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिजराइली। लिटन का यहाँ काम क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, डिजराइली की नीति को यहाँ पे कार्यान्वित करना, उसे इम्प्लीमेंट करना। ओके और वो शेर अली की सारी बातों को मानने के लिए तैयार था, ही वॉज ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन ऑफ शेर अली, बट फॉर हिम देयर वर टू थ्री कंडीशंस दैट द अमीर शुड कीप इंग्लिश रेजिडेंट इन काबुल एंड गिव अ पैलेस गिव अ प्लेस टू द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान फॉर पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक कन्वीनियंस। अब क्या था कि इसका ये बोलना था लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, सॉरी लॉर्ड लिटन का, कि अब क्या है कि अमीर को चाहिए कि वो ब्रिटिश टुकड़ी को अपने सामरिक जगह पर, मतलब अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा के स्थान है, सीमा प्रांत है, वहाँ पर एक जगह दे दे, और उससे क्या है कि उसके बाद क्या है कि काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे और राजनीतिक और सामरिक यानी कि जो युद्ध की सुविधा है उसके लिए अफगानिस्तान की सीमा का एक जगह दे दे। लेकिन अमीर को ये प्रस्ताव नहीं मानना था, ही सेड दैट इफ़ यू विल कीप द ब्रिटिश रेजिडेंस इन काबुल दैन हाउ कैन ही रिफ्यूज़ टू कीप अ रशियन एजेंट। उसका ये मानना था कि अगर मैं ब्रिटिश रेजिमेंट को काबुल में रखता हूँ तो रशियन एजेंट को कैसे रखने से मैं इनकार कर सकता हूँ। तो अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो अमीर ने वायसराय के प्रपोजल को ठुकरा दिया और अफगानिस्तान में रसिया का प्रभाव जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। रसिया के प्रभाव को रोक पाने में जो लिटन ने ये अपना कदम उठाया था, उसके बाद अमीर के द्वारा मना करने पर रसिया ने जो रसिया की तरफ से रसिया के प्रसार को रोकने के लिए जो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी लिटन ने, उसमें लिटन फेल होता है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे अमीर ने मना कर दिया। ओके अफगानिस्तान की तरफ से मना ही हो जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रसिया ने अमीर को किसी भी एक्सटर्नल अटैक से सुरक्षा देने के लिए उसको वादा कर दिया था, उसको एक गारंटी देता है प्रोटेक्शन के लिए। ओके एश्योर्ड कर देता है उसको। तो इन चीज़ों से, इन हालातों से लिटन को काफ़ी नाराज़गी होती है। एंड ये जो इस बार जो टाइम था उसने इस बार ब्रिटिश एजेंट को रखने की जोरदार मांग की और एक व्यक्ति को, एक पर्सन को कुछ सैनिकों के साथ एजेंट बना करके उसने काबुल के लिए रवाना कर दिया। इस मिशन को अफगानिस्तानियों ने रास्ते में ही रोक दिया और इस घटना से लिटन काफ़ी नाराज होता है, काफ़ी गुस्सा होता है। एंड 22 नवंबर 1878 को उसने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। और ये क्या था, ये सेकेंड वॉर ऑफ एंग्लो अफगान वॉर था, ये सेकेंड वॉर था दोनों के बीच में। अब देखते हैं युद्ध की घटनाएं क्या थी, इवेंट्स ऑफ वार हम देखते हैं। तो अंग्रेजी सेनाओं ने कहीं भी, जो अंग्रेजी सेनाएं थी उनको कहीं भी अफगान की तरफ से एक, जो कहते हैं कि बहुत ही जमकर के प्रतिरोध या भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा हो, तो ऐसा नहीं था। शेर अली ने रसिया से हेल्प मांगी थी लेकिन उसका जो अप्रोच था वो सही नहीं रहा, उसमें वो सफल नहीं हो सका और उसने अपने सबसे बड़े बेटे याकूब खान को अपना सक्सेसर बनाया और खुद जो है वो तुर्किस्तान की तरफ भाग जाता है। 2 फरवरी 1882 को उसकी डेथ हो जाती है और उसके मरने के बाद लिटन ने उसके बेटे याकूब खान को अफगानिस्तान का अमीर एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद अंग्रेज सरकार ने, और उसके साथ क्या होता है कि अंग्रेज सरकार की गंडमक की ट्रीटी हो जाती है। तो नाउ लेट्स सी कि गंडमक की ट्रीटी क्या है। गंडमक की ट्रीटी में, इस संधि जो ट्रीटी हुई थी, इसमें अंग्रेज गवर्नमेंट ने याकूब खान को अफगानिस्तान का अमीर एक्सेप्ट कर लिया था और याकूब खान ने अपने यहाँ अंग्रेज जो उनके दूत थे, जो राजदूत थे यानी जो एम्बेसडर्स थे, उनको रखने के लिए वो राजी हो जाता है। ओके एंड या उसके बाद दूसरी शर्त ये रहती है कि अंग्रेजों के परामर्श से ही अब मैं जो नीतियाँ हैं उसको चलाने की शर्तों को उसने मान लिया था। ये जो ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी के अंडर में
खुर्रम के जो पासेस थे उन पे अंग्रेजों की पावर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जो इंग्लिश वॉज एक्सेप्टेड, द राइट ऑफ इंग्लिश वॉज एक्सेप्टेड द पास ऑफ खुर्रम, खुर्रम के जो पास था, जो दर्रा था, वहाँ पर अंग्रेजी अधिकार को मान लिया गया। इन सब के बदले में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के जो अमीर थे याकूब खान, उनको 6 लाख रुपीज़ पर एनम देना कबूल कर लिया था। ओके, द ब्रिटिश एग्रीड टू गिव 6 लाख रुपीज़ एनुअली टू अमीर याकूब खान ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, उसको 6 लाख रुपए देना उन्होंने स्वीकार कर दिया। और फिर ये भी एक्सेप्ट किया कि बाहरी आक्रमण के साथ, बाहरी आक्रमण से आपकी रक्षा भी करेंगे। याकूब खान ने काबुल में एक अंग्रेज रक्षक दल को रखने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। और इस प्रकार इस नीति में लॉर्ड लिटन की जो फॉरवर्ड नीति थी वो पूरी तरह ब्रिटिश उसमें सफल हुए। तो जो अभी हमने देखा क्या था कि पॉलिसीज टूवर्ड्स अफगानिस्तान में सबसे पहला क्या रहता है कि इनएक्टिविटी की पॉलिसी अपनाई जाती है। और इनएक्टिविटी की पॉलिसी के बाद जब ये देखा जाता है कि रसिया काफ़ी प्रसार कर रहा है, तो उसके बाद इनएक्टिविटी की पॉलिसी को हटा करके फॉरवर्ड पॉलिसी एक्सेप्ट की जाती है, और जिसमें लॉर्ड लिटन जो है वो कामयाब रहता है। नेक्स्ट जो था कि ईस्ट इंडिया कंपनीज रिलेशनशिप बिटवीन भूटान, देखिए ये भी जो पॉलिसीज थी, द ईस्ट इंडिया कंपनीज रिलेशनशिप बिटवीन भूटान मे बी ट्रैक बैक टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रिंसली स्टेट ऑफ कूच बिहार एंड भूटान इन 1772, जिसमें कि देव राजा जो था भूटान का, उसने डिफीट किया था जो ये जो किंग थे खगेंद्र नारायण, उनको कूच बिहार में डिफीट किया था। द लेटेस्ट आर्मी कमांडर नाजिर देओ री अटैक्ड भूटान ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंस एंड सब्सिक्वेंटली वॉन द बैटल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ये भूटान के साथ भी इसकी जो पॉलिसीज थी, इसमें ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ उसने उस युद्ध को जीता था। द रिलेशन बिटवीन भूटान एंड ब्रिटिश इंडिया के बिकेम इमिनेंट व्हेन द देव राजा सॉलिसिटेड द मेडिशन ऑफ द पेंचन लामा, जब उसको मध्य का जो मीडिएटर है उसको बना दिया जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ये रिश्ता जो है, ये रिलेशन जो था ब्रिटिश एंड उधर नॉर्थ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, ये एक नया मोड़ लेने लगा। ब्रिटिश कंपनी हिमालयन रेंज की तरफ भी अपना विस्तार चाह रही थी, जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उसका विस्तार चाह रही थी, और स्पेशली तिब्बत की तरफ। और दूसरा रीज़न क्या था कि जो चाइना एंड रसिया का प्रसार, जो उनकी नीति थी, प्रसार नीति, उसको रोकने के लिए तो पॉलिटिकल व्यूज़ और ट्रेड की वजह से ये जो ब्रिटिश वायसराय थे, इनकी संधि नीतियाँ और इनकी राजनीतिक जो नीतियाँ थीं, ये सभी कुछ जो है वो चेंज हो रही थी। और साथ में इनका जो आशय था वो एक ही था कि जो नेबर्स कंट्री हैं, जैसे कि चाइना एंड रसिया, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको ब्रिटिश जो है वो रोकना चाहते थे। तो एम क्या होता है? एम होता है कि भारत में रहने के बाद भारत की तरफ या फिर यूरोपीय पटल पे, जैसे विश्व पटल पे भी, एशिया में चाइना एंड रसिया का जो प्रसार है उसको रोकने के लिए ये पॉलिसीज अपनी विदेशों की तरफ बना रहे थे और उसे बदल रहे थे। तो ये फॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक है, ये आज आपका यहीं ख़त्म होता है। अगला जो लेक्चर वीडियो होगा वो हमारा बेस होगा सेकंड यूनिट का, फर्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।